बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसे मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुबतला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जान कर के वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। कलाम के पढ़े और सुन जाने पर हम सब के लिए बाय से बरकत हो, आमीन। इससे पेशतर क्या हम खुदावन का पाक कलाम सुनें। मेरी चंद ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे डरते हैं कि जिस आगे हम बैठेंगे तो यीशु हमें मारेगा। जितने आते हैं सारे पीछे पीछे कोशिश करते पीछे बैठने की। तो इस आदत को ख़त्म करें जो आते हैं, ताकि जो बाद में आने वाले लोग हैं वो पीछे बैठें। तो आइंदा जो भी आते पहले आते हैं सबसे पहले आके आगे बैठा करें और पीछे पीछे घुसने की कोशिश ना करें और सबसे पहले आगे बैठें। अगर 74 गार्डन चर्च का कोई यहाँ मेंबर है तो वो जानता है कि मेरी कोशिश होती है सबसे पहले मेरी जगह मखसूस है और मैं 5-10 मिनट पहले वहाँ जाके अपनी मेरी जो सीट है मुझे कहीं और बैठने का मज़ा नहीं आता। सबसे पहले और सबसे जाके पहली कुर्सी पर मैं बैठता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि पीछे पीछे नहीं जाएँ, आगे आके बैठें और फिर कोशिश करें कि इस कराची शहर में खुदा ने हमें यह मौका दिया है और हर फ्राइडे हम जमा होते हैं, खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं। चचा ने आप लोगों के साथ कलाम की बातें और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई हैं। और अगले फ्राइडे जो है हमारा रोज़ों का सेमिनार है, 22 से प्रोग्राम रोज़े शुरू हो रहे हैं। अगर आप में से कोई बहन भाई अपने नाम देना चाहता तो ज़रूर अपने नाम लिखवाएँ। और इसके साथ साथ जो है अगले फ्राइडे कोशिश करें कि पूरे 6:30 बजे आप आएँ, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं है कि अगर वो करना चाहे तो वो ना हो। अगर हम ना आना चाहें तो एक अलग बात है। हम सुस्ती करते रहते हैं कि भाई 9 बजे इबादत ख़त्म होनी है तो 6:30 बजे क्यों जाएं, वहाँ जाके पहले बैठना पड़ेगा। तो इस आदत को ख़त्म करके कोशिश करें कि पूरे बाइबल का खुदा वक्त का खुदा है और अपने पूरे टाइम पर आएं। अगर आपके हाथों में खुदा उनका जिंदा पाक कलाम है तो मेरे साथ जो हवाला पढ़ा गया है उसकी 6 आयत से मैं पढ़ता हूं। उसको यीशु ने पढ़ा देखा, ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उसने क्या जवाब दिया भाई? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, अरे खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। आइए मैं अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आए रूहे पाक, तो मेरी जबान का जिम्मा ले, तू अपना कलाम मेरे मुंह में डाल। मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि जो कुछ आप मेरे मुंह में डालें, जो कुछ आसमान से मुझे मिले, मैं वो कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाऊं। आए खुदा, तू मुझे और मेरी जमात को एक रूह में बांध ले,
اے خداوند خدا تو مجھے اور میری جماعت کو ایک روح میں جکڑ لے, اور اے خداوند آج جتنے بہن بھائی آگے ہیں راہ راستے میں ہیں انہیں بھی صحیح سلامت لے کر آ. اے روح پاک آج کی عبادت کا سارا جلال آپ کے نام کو پہنچے, شروع سے لے کے آخر تک تمہارا ہادی رہبر اور رہنما ہو. یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. ایک سوال سے میں نے کلام رکھا تھا آپ لوگوں کے سامنے, اور وہ کیا بات تھی, خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا, میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں. یسوع نے کیا کہا, کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو اس کا کیا جواب تھا؟ اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں خدا میں شفا پانا چاہتا ہوں, لیکن اس نے کوئی خوشی نہیں, بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے کہ جب پانی ہلے تو مجھے حوض میں لے جائے, کوئی دوسرا آدمی پہلے مجھ سے اتر پڑتا ہے. آج شام میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, آج ہماری جماعت میں کتنے لوگ ہیں جو شفا پانا چاہتے ہیں, کتنے ہیں جو کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہیں؟ ہماری جماعت میں کوئی آدمی ہے بہن بھائی جو شفا پانا چاہتا ہے؟ کین آئی سی یور ہینڈ, آپ لوگوں کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. تو آج اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں تو یقین رکھیں کہ خداوند خدا نے میرے ساتھ بات کی ہے, اور خداوند ضرور آج شام جس طرح بیت حسدا کے حوض پر خداوند نے کام کیا تھا آج شام بھی کام کرے گا. Why? Because there is no expiry date over Jesus. میڈیسن کی بوٹلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹ, مینوفیکچرنگ ڈیٹ, لیکن جیزس کے اوپر کوئی ایسا ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. کیسے پتا چلتا ہے؟ عبرانیوں 13:8 ہے, کیا لکھا ہے؟ یسوع آج کل بلکہ ابا تک کیا ہے؟ یکساں ہے. اگر کل یسوع اس 38 برس کے بیمار کو شفا دے سکتا تھا, تو آج بھی خدا کے اندر وہی الوہیت کام کرتی ہے, وہی خدا کی قدرت کام کرتی ہے. اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائیں اور روح سے بھر جائیں, خوشی سے بھر جائیں, اور دعا کرنا شروع کریں, شکر کریں کہ خدا نے میں نے شفا پا لی ہے. آپ کہیں گے بھائی یہ بات کیسے کر رہا ہے؟ لازر کی قبر پہ یسوع نے کیا کہا تھا؟ آئے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے میری سن لی ہے. لازر کہاں ہے اور یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند تیرا شکر ہو تو نے میری سن لی ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ کے بدن میں سسٹ, گلینڈ, سٹون, وٹ ایور پرابلم از دیئر, جسٹ بلیو دیٹ یو آر ہیلڈ اور خدا کا شکر کرنا شروع کریں. اور میرا ایمان ہے کہ آج شام کوئی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا, ایک ایک زندگی شفا پا کر جائے گی. اگر آپ کو کسی نے کہا ہے آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے, تو اس کو بھی محسوس کرے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ایمان کے ساتھ اس کی روح کو بھی اپنے ساتھ محسوس کریں.
और इसके साथ साथ ये मौजज़ा कहां हुआ, किस जगह पर हुआ, माहौल कैसा है। अगर आप बाइबल के शिगिर्द हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह गलील, जो उनका अपना अपना शहर था, उस जगह से यरूशलेम आए। और ये फासला जो है तकरीबन 110 किलोमीटर का है, गलील से यरूशलेम। लेकिन बातों के बाद, यानी उससे पहले बादशाह के मुलाजम को, जो कि बहुत सख्त बीमार था, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई ग्रेड टेम्परेचर, तो खुदा ने उसको शफा दी। और शफा देने के बाद जो है वो यरूशलेम में आया। जब वो यरूशलेम में आया तो खुदावंद, जैसे यरूशलेम में आया तो किसी मिनिस्टर के घर नहीं गया, किसी बड़े शख्स के घर में नहीं गया, किसी आलीशान बिल्डिंग में नहीं गया। वेयर जीसस वेंट, कहां गया खुदावंद यीशु मसीह? आप लोगों की आवाज सुनना चाहता हूं, वहां पर शैतान को पता है कि आज बड़ा काम होना है, लेकिन मेरा ईमान है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहे। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा, और वो क्या होती है कि मेरे गले के लिए दुआ करें, क्योंकि शैतान भी जानता है कि हर आदमी की क्या क्या वीकनेस है। लेकिन मेरा ईमान है, मैं भी इसी वक्त अपने गले के लिए दुआ करता हूं, कि ईमान से मैं शुक्र करता हूं खुदा ने मेरे गले को खोल दिया है। हालेलुया, एंड दैट इज फेथ, ये ईमान है। तो खुदावंद खुदा कहीं बड़े आलीशान बिल्डिंग में नहीं गया, खुदावंद जैसे यरूशलेम में गए तो फौरन बैत हस्ता का एक हौज है, वहां पर गए। और उसके बारे में लिखा है कि उसके पांच बरामदे थे, बहुत बड़ी जगह थी। हम इसको इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि सेंटर में हौज है और उसके चारों तरफ बरामदे बड़े बड़े, और बहुत सारे लोग वहां पर बीमार मौजूद हैं। तीन किस्म के बीमारों का जिक्र है। मैं हमेशा कहता हूं कि कलाम को खुले जेन से पढ़ें। कितनी किस्म के? तीन किस्म के बीमारों का जिक्र है। कौन से, किसके, किस किस्म के बीमार हैं? अंधे हैं और लंगड़े और पस मुर्दा, पैरालाइज। ये तीनों कैटेगरी के मरीज वो हैं जो चल नहीं सकते और दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इस शख्स का तो ऐसा लगता है कि घर वालों ने उसको छोड़ दिया उसकी हालत में, क्योंकि उसके जवाब से पता चलता है कि मेरे पास कोई है नहीं, जब पानी हिले तो कोई आके मुझे पानी में उतार दे। तो अब हम ये देखते हैं, खुदावंद उसके पास गया और उसे सवाल किया, ये मौजज़ा किस जगह पे रूनमा हुआ? यरूशलेम। इस बात को ज़हन में रखें, यरूशलेम शहर जैसे दाखिल होते हैं तो भेड़ दरवाजा था। उसको भेड़ दरवाजा क्यों कहते थे? क्योंकि उस दरवाजे से कुर्बानी के लिए भेड़ें आती थी अंदर, तो इसलिए उसको भेड़ दरवाजा कहा जाता था। और वहां पर खुदावन ने उसको देखा और बेशुमार बीमार वहां पर मौजूद हैं। खुदावंद की निगाह उसके ऊपर टिक गई।
और उसे कहा, क्या तू शफा पाना चाहता है? उसको ये सवाल सुनकर तो खुश होना चाहिए था और खुशी से पकारना चाहिए था, हां खुदावन मैं चाहता हूं। उसकी हिम्मत देखें, सिंस 38 years वो थक हार के चला नहीं गया। उसके उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बात बैठी हुई थी, कहीं ना कभी तो मेरी बारी आएगी। और अब यहां पर हम ये देखते हैं कि शफा उस हौज के अंदर लिखा है कि एक ही आदमी शफा पा सकता था, और वो शख्स ये कह रहा है कि खुदा मेरे पास कोई नहीं है कि मैं जब हौज का पानी हिले तो मुझे कोई उसमें ले जाए। और इतनी उम्र तो यीशु की है भी नहीं है जितनी उम्र उसकी है। थतमसी से पहले से वो जो इस हालत में है और उसके पास पड़ा हुआ है और बीमारी में मुब्तला है, और खुदामंद खुदा से कह रहा है, कहे खुदा मेरे पास कोई नहीं है। ऐसे लगता है कि उसने पहले कभी यीशु को देखा ही नहीं है। यीशु से उसकी पहली मुलाकात है, अगर शायद उसने देखा होता तो ये अल्फाज ना कहता। और उसने ये कहा कि मेरे पास कोई नहीं है। अगर यीशु को पहचान लेता, जान लेता तो ये अल्फाज ना कहता। अब इस हौज के हवाले से मैं ये बात बताना चाहता हूं कि ये कहा गया है कि वक्त पर खुदा का फरिश्ता आता था और उस पानी को क्या करता था, हलाता था, और वो पानी के अंदर हिलते ही उसके अंदर बुलबुले और पानी के साइन नजर आते थे कि पानी हिलना शुरू हो गया है। पहले से लोग तैयार रहते थे कि जैसे पानी हिलेगा तो उसके अंदर कोई जाए, और जो जाता था। इस हौज की खूबी यह थी कि बीमारी चाहे कैसी भी क्यों ना हो और उस मरीज की बीमारी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, जैसे ही वो हौज के अंदर जाता था, देन एंड देयर हौज में जाते वक्त वो बीमार होता था, अंधा होता था, लंगड़ा होता था, पैरालाइज का मरीज होता था, और जैसे ही वो पानी से बाहर आता था, देन एंड देयर उसकी बीमारी खत्म हो जाती थी। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। डू यू बिलीव दैट? कि जैसे आज आए हैं आप बीमारी के साथ आए हैं, और जैसे ही आप गेट से बाहर जाएंगे आपकी बीमारी खत्म हो चुकी होगी। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया। वो क्या चीज थी जिसके पानी के अंदर, उस हौज के अंदर शफा थी? व्हाट वाज दैट? उसके अंदर क्या खूबी थी? पानी तो बहुत थे लेकिन ये पानी किस किस्म का था? सोचें, कुछ जवाब मिल रहा है आप लोगों को? मेरे भी बहुत सारे सवाल, इस जब मैं तैयार कर रहा था मुझे बहुत से जवाब नहीं मिले। इस हवाले से मैं दुआ कर रहा हूं कि खुदामंद खुदा इस कलाम में बहुत सारे ऐसे जवाब सवाल हैं जिनका जवाब मैं खुदा से पूछ रहा था, और मैं बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो मकाशवा खुदा ने मुझे दिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तीसरे पहर यहूदियों की
कुर्बानी का वक्त होता था और हर रोज कुर्बानियां होती थी। और कहा यह जाता है कि उसके नीचे से जहां हौस था, तो जहां से कुर्बानियां, जैसे भेड़ दरवाजा कहा गया, वहां से भेड़े कुर्बानी के लिए खरीदी जाती थी। जब भेड़ों को जबा किया जाता था तो वो खून जो है उसके अंदर जाके मिलता था। और पानी के अंदर जागता तो वो पानी ठंडा होता तो वो लोथड़े बन जाते। तो फिर फरिश्ते को हलाने की जरूरत पड़ती कि वो खून के लोथड़े जो हैं वो क्या हो जाए, अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं, तो उनके अंदर शफा की कुदरत पैदा हो जाती। यीशु, ये जहां भी खून की बात आती है, यीशु का खून तमाम बीमारियों का त्रयाक है मेरी बहन मेरे भाई। इसीलिए लिखा है कि जो कोई भी उसमें जाता था, अपने जाते, गैर जाते, कैंसर के मरीज जाते, भांज औरतें जाती, पैरालाइज के मरीज जाते, व्हाट एवर प्रॉब्लम दे हैव, एज सून एज दे टच द वाटर दे आर हील्ड। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो प्रभु की। उसी लम्हे वो शफा पा जाते। मेरी बहन मेरे भाई, अगर आप ये महसूस कर रहे, मैं देख रहा खुदा का मसा बड़ी कुदरत के साथ यहां ठहरा हुआ है, खुदा की कुदरत आप लोगों को छू रही है, खुदा का कलाम आपके बंद बंद में से होकर आपकी बीमारी की जगह पे जा रहा है, खुदा ने आप लोगों को छू रहा है, मोजात हो रहे हैं। जो बहन भाई, मेरा ईमान है कि इस कलाम को जो सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे इस सीडी के हवाले से या यूट्यूब के हवाले से, क्योंकि हर मैसेज हमारा हम ऑन एयर करते हैं, तो वो जो लोग भी आज के इस पैगाम को सुनेंगे, मेरा ईमान है, मैंने अपने कमरे में बैठ के आंसू बहाए हैं, मैंने अपने कमरे में बैठ के खुदा से कुव्वत मांगी है, खुदा से रेमा मांगा है। और मेरा ईमान है कि आज जिस तरह उस वक्त लोग शफा पाते थे, आज के कलाम के वसीला से भी आप शफा पाएंगे। और जिनके लिए आप अपने दिल में दुआ करें, वो आपके घर में आप जाएंगे तो आपको यू विल गेट द मिरेकल्स, मोजात आपको मिलेंगे। मैं ये बातें हवा में नहीं कह रहा, मैं ईमान से कह रहा हूं, और जो बात ईमान से कही जाती है वो खुदा होने देता है। जो कुछ खुदा के खादम बोलते, जब खुदा के खादम बोलते हैं तो खुदा बोलता है, जब खुदा के खादम चलते हैं, एक्शन में आते हैं, तो खुदा एक्शन में आता है। तो मैंने यह बताया कि उनकी नगाह लगी रहती थी कि जैसे पानी, पानी के अंदर बुलबुले उठने शुरू हों, पानी के अंदर हरकत आए, वो आंखें अपनी ब्लिंक नहीं करते थे, झपकते भी नहीं थे, लगी रहती थी, और जैसे पानी हिलता फौरन उसमें जंप करते। अब लाजमी बात है कि एक वक्त में तो कोशिश करते होंगे, बहुत सारे चले जाते होंगे हाउस के अंदर, और इतना बड़ा हाउस भी वो नहीं था, लेकिन शर्त यह थी कि जो पहले जाता था वो शफा पा जाए, बाकी वैसे ही आ जाते थे। अब दो बातें हैं, पानी हर वक्त मौजूद रहता है, मेरे साथ है आप लोग, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, बड़ी पते की बात करने लगा हूं मैं। पानी तो हर वक्त उसमें रहता था, लेकिन शफा हर वक्त नहीं रहती थी। और बहुत सारे लोग कोशिश करते होंगे हैं भी पानी के अंदर वैसे चले जाएं, लेकिन वो जाते तो वैसे नहानू के, जैसे हम समुद्र पे जाते नहानू के वापस आ जाते हैं, कोशिश बहुत सारे लोग वैसे ट्राई भी की होगी, लेकिन शफा का एक वक्त मकरर था।
मेरी बहन मेरे भाई, आपकी शिफा का भी एक वक्त मकर्रर, वो आज का वक्त है। हालेलुया, 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 वो आज का वक्त है। तो मैंने ये बात की कि पानी हर वक्त रहता था लेकिन शफा हर वक्त नहीं आती थी। शफा कब आती थी? जब पानी हौज का हलाया जाता था। खड़े हुए पानी में कोई शफा नहीं थी, खड़े हुए पानी में कोई शफा नहीं थी। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैंने क्या कहा कि खड़े हुए पानी में शफा नहीं थी। जब उसको हलाया जाता था तो कुछ होता था। आज हमारी जिंदगियां, हमारे खानदान, हमारी कलीसियां ठंडे मजबे बने हुए हैं, हम रुके हुए हैं। हमारी जिंदगियां चाहता कि आज पाक रूह एक एक जिंदगी को शेक करना चाहता है, एक एक को हलाना चाहता है। जब हम हिलेंगे, जब हम हरकत में आएंगे, जब हम एक्शन में आएंगे तो खुदा एक्शन में आएगा। जब हम एक्शन में आएंगे तो मोजात होंगे। जब हम एक्शन में आएंगे तो हम कलीसियों को, हम ईमानदारों को और बीमारों को और बहुत सारे ऐसे जो पस मुर्दा लोग हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, जो चल नहीं सकते, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जब ईमानदार एक्शन में आते हैं तो कुछ होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम एक्शन में नहीं आते, हम हिलते नहीं, हम सोचते रहते हैं। मेरे लिहकी आए, मैंने नहाए, और पीटर यंगरन आए, वेयर इज योर टैलेंट माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेयर आर यू? Jesus want to shake you this evening. खुदावंद आज शाम आपको हलाना चाहता है। हम साला साल से इस आदमी की तरह बंधे हुए हैं। There is no life. हम क्रिश्चियन तो कहलाते हैं but there is no life in our life. हमारी जिंदगियों में वो कुवत नहीं है। We have no power. We are spiritually dead. शायद उस पैराडाइज आदमी से भी ज्यादा हमारी हालत खतरनाक है। क्या आपको कुछ हो रहा है? आप जिंदगी में कुछ हो रहा है? जब मैं कलाम सुना रहा हूं या वैसे ही बैठे हुए आप लोग सब सुन रहे हैं? आज जरूरत है कि खुदामन मुझे और आपको वो हलाना चाहता है। इतने साल हमने ऐसे गुजार दिए। हम फ्राइडे की इबादत में आते हैं लेकिन ऐसे मिलजुल के चले जाते हैं। हमारे अंदर कोई आग नहीं है। वी हैव नो अनाइंटिंग। देयर इज नो मिनिस्ट्री विदाउट अनाइंटिंग। आपने देखा ये छोटा सा हमारा ग्रुप है, किस कदर खुदा की हजूरी होती है, किस कदर खुदा का मसा होता है, लेकिन हम आगे मल्टीप्लाई नहीं होते। हम कोशिश नहीं करते कि अपने और बहन भाइयों को, दूसरों को बताएं, लोगों को लेके आए। अगर मैं पूछूं कि कितने लोगों ने इस फ्राइडे दूसरे लोगों को बताया था कि इस फ्राइडे आप आए, खुदा अपने दिल में जवाब दें। हम बशारती हमारा जेन हो जाए। मैं तो सोती हूं पर मेरा दिल, वाह क्या बात है। शोलमियत अपने महबूब के लिए कह रही है, गजल गजलात 5:2, मैं तो सोती हूं पर मेरा दिल जागता है। काश के मैं और आप भी इस तरह से मुतहरक हो जाए अपने महबूब के लिए, अपने खुदा के लिए रूहें जीतें, लोगों को बताएं। ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं कि अगले फ्राइडे कोशिश करें, लोगों के पास जाएं, लोगों को बताएं। यहाँ जगह ना हो बैठने की, हमें बाहर जगह बनानी पड़े, यहाँ आगे जगह कपड़े बिछाने पड़े, और लोगों को बताएं, लेकर आएं और समझें कि आप एक, ये लोगों को लाना भी एक मनादी है। जैसे फिलिपस का ये काम था कि वो रूहों को ऐसे देखता रहता था, वो फौरन लोगों को खींच के लाता था। तो लोगों, जब पानी हिलता था तो उनकी निगाह पानी पे लगी रहती थी।
और जब हम कलाम सुनाते खुदा के खादम, बहुत सारे लोग सो जाते हैं, उनकी निगाह कहीं और लगी होती। बोअस ने रूह से कहा कि तेरी निगाहें इस खेत पे लगी रहे, इधर उधर ना देखना। तो आज जब हम कलाम सुन रहे हैं तो हमारी निगाह इस पे लगी रहे। अब गौर से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं। पानी, मैंने बताया पानी हर वक्त रहता था, लेकिन शफा हर वक्त नहीं रहती थी। शफा वो उस वक्त होती थी जब कोई उसको हलाता था। काश के आज कितने, आज कोई बैत हंसदा की कोई कमी नहीं है हमारे अस्पतालों में। क्या कभी आप स्पिरिट के साथ गए हैं? बहनें, भाई, नौजवान, बेटे, बेटियां, क्या आज आप अपने अंदर इस अनॉइंटिंग को मांग रहे हैं? आज कितने बैत हंसदा के लोग जो है बेचैन बैठे हुए हैं, कोई मसीहा उनके पास आए, लेकिन हमारे अंदर कोई पावर नहीं है, हमारे अंदर कोई जिंदगी नहीं है। जद्दी पुश्ती या मसीही खानदानों में पैदा हुए हैं, बट वी आर स्पिरिचुअली डेड, रूहानी तौर पर हम मुर्दा हैं। तो अब मैंने अक्सर ये बातें आप लोगों को बताई कि कलाम के लिए दो ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एक है रेमा और दूसरा लोगास। क्या फर्क है इनमें? रेमा का मतलब है कहता हुआ कलाम, और लोगास का मतलब है लिखा हुआ कलाम, पैदाइश से लेके मकाशफा तक। ये क्या है? लिखा हुआ कलाम है। और रेमा क्या है? कहता हुआ कलाम। जब मैं कह रहा हूं तो ये रेमा है, और शफा रेमा से मिलती है। शफा किससे मिलती है? रेमा से मिलती है। और इसके लिए हवाला आप नोट कर लें, रोमन 10:17। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से, यानी सुना वो जाता है जो कहा जाए। और डेफिनेशन क्या रेमा की? कहता हुआ कलाम। तो अब क्या है रेमा? तो शफा मैंने बताई कैसे होती है, रेमा से होती है। सुनना, ईमान सुनने से पैदा होता है। आप सुन रहे हैं सब लोग, ठीक है? जब आप सुन रहे हैं तो आप अपने ईमान को मजबूत करें, मेरे साथ साथ रहें और महसूस करें कलाम आपके जिस्म में जा रहा है, और वो कलाम आपकी हड्डियों तक जा रहा है। आपका चाहे अथराइटिस पेन है या बैक एक है या नेक एक है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप जब सुन रहे हैं तो ये महसूस करें। भले डॉक्टरों ने कह दिया कि आपकी बीमारी का इलाज नहीं है, तो मेरा ईमान है कि आज शाम आप शफा लेके जाएंगे। हालेलुया, आज शाम आप शफा लेके जाएंगे, आज शाम आप अपने बाप की शफा लेके जाएंगे, अपनी माँ की शफा लेके जाएंगे, अपने भाई की, अपने मियाँ की, अपनी बीवी की शफा आप लेकर जाएंगे, आप अपने रिश्तेदारों की शफा अपने लेके साथ जाएंगे। भले आपका मरीज कहीं भी मुल्क में या मुल्क से बाहर या पाकिस्तान के किसी भी शहर में या पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में बैठा हुआ है, आज मेरे अंदर ऐसा ईमान पैदा हो रहा है और यकीन जाने मोजे होने शुरू हो गए हैं। हालेलुया, मोजात हो रहे हैं आपके जिस्म में, कुछ हो रहा है इस वक्त, खुदा का पाक आप लोगों को छू रहा है। तो अब जब पानी हलाया जाता था, यानी वो हौज जो है वो लोगास है, तो मैंने बताया ये एक राज की बात है, ये एक भेद की बात है जो कि आप लोगों को आम किताबों में नहीं मिलेगी जो बात मैं कर रहा हूं। यानी हौज क्या है? ये लोगास है, लिखा हुआ कलाम। और कहता हुआ कलाम शफा कैसे होती? जो कहता हुआ, रेमा से होती है। जब पानी को हलाया जाता था वो रेमा बन जाता था। अब इस बात को मैं क्लियर करता चला जाऊं। डॉक्टर योंगे चू का तो नाम सबने सुना है,
वहाँ एक खातून थी, मुझसे खादमा का नाम भूल गया, और वो इबादत करवा रही थी, तो तीन नौजवान बच्चे खातून थी, वो उन्होंने सोचा कि पतरस तैर के गया, उनके रास्ते में एक नदी आती थी, तो उन्होंने सोचा कि पतरस अगर तैर सकता है तो हम भी तैर सकती हैं। उनकी सोच तो अच्छी थी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो पानी उन्हें बहा के ले गया, वो डूब गई। और इस बात ने इतना तूल पकड़ा कि डॉक्टर यंगेचू को जवाब देना मुश्किल हो गया। लोग कहते हैं कि वो क्यों बह गई, वो क्यों डूब गई, क्या वजह थी। तो खुदा के खादम पर खुदा ने यह राज खोला कि पतरस तो रेमा से तहरा था। पतरस को कहा, कहता हुआ कलाम, या पतरस ने कहा कि मुझे हुक्म दे कि मैं चल के आऊं, खुदा ने कहा चल कर आ, क्योंकि खुदा ने कहा था चलने के लिए, इनको तो नहीं कहा चलने के लिए। तो ये बात है रेमा। तो खुदावंद खुदा जब पानी को हलाया जाता था तो वो रेमा बन जाता था। और आज जो हमारे खादम हैं वो ज्यादातर जो सूखी घास पे ही अपनी भेड़ों को चराते रहते हैं। खुदा चाहता है कि हम किसी वर्ष को ले लें, उसको रेमा बनाएं, उसके अंदर इतनी कुव्वत आ जाए, उनके अंदर कलाम आ जाए, उनमें शफा आ जाए, ताकि हर मीटिंग के अंदर मोजात जीब काम निशान जहूर में आए। तो जब वो पानी हलाया जाता था तो वो क्या बन जाता था, रेमा बन जाता था। और खुदावंद यस्सु के लहू को देखकर उन बीमारों को शफा देता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज जिस तरह उस हौज में शफा थी, आखिरी पॉइंट मेरा है, मैं कलाम को कह के बंद करूंगा, इसके बाद मेरे साथ रहिए, यह आखिरी पॉइंट बड़ा कीमती है और गौर से सुनिए कि आज वो हौज कहां है। यानी जैसे उसको हलाया जाता था तो उस हौज में उतरने वाला शफा पाता था, शफा यकीनी थी, चाहे उसकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि यीशु ने मेरे और आपके लिए का हौज का बंदोबस्त किया है। डू यू नो दैट? क्या उस पूल के बारे में आप जानते हैं? जब खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आपका शाफी, जब कलवरी का शहजादा, जिसके हाथों और पैरों में कील, बड़े बड़े 6-6 इंच के कील गाड़े गए हैं, सर पर कांटों का ताज रखा हुआ है, वैशी सिपाहियों की अभी तक भी प्यास नहीं बुझी, और एक सिपाही आगे बढ़ता है, मेरे यीशु के पहलू को छेदता है, और जब उसका पहलू छेदा गया तो उसने मेरे और आपके लिए एक अपनी हौज का बंदोबस्त कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों जो इस हौज में आ जाते हैं, उनकी बीमारियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, अगर उस हौज के वसीला से बीमार शफा पाते थे तो यीशु ने जो अपनी पसली में भाला खाया, वो अपने उस के वसीला से उस हौज को तैयार किया। मेरी बहन, मेरे भाई, उस हौज में आ जाएं, उस हौज में गोता ले ले, आज शाम आपकी ट्यूमर खत्म हो जाएगी, आपकी गैनी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपकी बैक एक जाती रहेगी, आपका ब्रेन ट्यूमर खत्म हो जाएगा, अथराइटिस चला जाएगा। व्हाट एवर प्रॉब्लम इज देयर इन योर बॉडी, जीसस इज गोइंग टू टच दिस इवनिंग इन अ स्पेशल एंड माइटी वे, इन टच यू दिस इवनिंग। हालेलुया। आइए मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाए। आज कितने उस हौज में उतरना चाहते हैं,
Just check your healing. Hallelujah. This is your time. This is your time. चंद लम्हों के लिए दुआ करें. मेरा ईमान है कि अगले फ्राइडे बहुत सारी गवाहियां हमें मिलेंगी.